नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर पूंजीपति को संरक्षण दिए जाने और विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए 22 अगस्त को विशाल धरना प्रदर्शन के साथ ही ईडी कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया है। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि कार्यक्रम की सफलता के लिए वरिष्ठ नेताओं को जिला प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है। इसमें देहरादून महानगर में पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी और प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमसाना, हरिद्वार में पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण और परवादून में पूर्व मंत्री डॉ हरक सिंह रावत सहित अन्य को प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देहरादून से है जहां वार पलटवार का दौर जारी है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर पूंजीपतियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। इसी के क्रम में उन्होंने घेराव करने की चेतावनी भी दी है। कांग्रेस 22 अगस्त को धरना प्रदर्शन करेगी। उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी ने रक्षाबंधन के पर्व पर महिला पुलिसकर्मियों से राखी बंधवाई। इस अवसर पर गणेश जोशी ने कहा कि महिला पुलिसकर्मी अपने घर से दूर ड्यूटी कर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। ऐसे में फोर्स की महिलाओं के साथ राखी मनाकर ये त्यौहार मनाया गया है। हालांकि पारिवारिक कारणों से गणेश जोशी बड़े स्तर पर रक्षाबंधन के पर्व को नहीं मना पाए, पर उन्होंने पुलिसकर्मी बहनों को भरोसा दिलाया है कि एक जनसेवक और भाई के रूप में वो हमेशा उनके साथ खड़े हैं। मैं पिछले 19 वर्षों से मेरा राखी का त्यौहार बड़े बृहद रूप में हम मनाते हैं। स्टेडियम में हजारों की संख्या में हमारी करीब 20,000 से अधिक बहनें मुझे राखी बांधती हैं। इस बार मेरे भतीजे का देहांत होने के कारण वो पर्व को हमने नहीं किया, लेकिन घर में ही जो बहनें आ रही हैं उनको मैं राखी बनवा रहा हूं। और हमारी ये फोर्स की बहनें जो कोई चमोली की है, कोई टिहरी की है, अपने घरों से दूर हैं, उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर रक्षाबंधन के दिन हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन उपवास रखा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क में मौन उपवास रखा, जिसमें सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष लेखपाल आर्य और विधायक सुमित हृदेश ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उसके बाद वो उपवास पर बैठे। उपवास के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। राजधानी देहरादून में ही बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरह के आईएसबीटी के पास नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना हुई है, उससे प्रदेश के कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक विषय है कि नफरत जो समाज में फैलाने का वो प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं वो जब जड़ों में जहर डाला जाएगा तो पेड़ किस प्रकार से उगेगा, ये हमें देखने को साफ प्रतीत हो रहा है। हम अभी अगर देहरादून की बात करें, हम वहां पे रुद्रपुर की बात करें, चाहे देशव्यापी अगर हम बात करें, कोलकाता में जो हमारी बेटी के साथ हुआ, घोर विरोध हम इसका करते हैं। और वाकई में जो लोग संलिप्त हैं, जो गुनहगार हैं, सख्त से सजा की हम मांग रखते हैं। साथ ही साथ ये गूंगी बहरी सोई हुई सरकार, इसको जगाने का आज प्रयास उपवास के साथ करेंगे। देखिए, भाजपा के राज में आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, और भाजपा ने देवभूमि को कलंकित करने का काम किया है। लगातार पिछले 2 वर्ष में जनपदों के आप आंकड़े देखिए, बलात्कार, गैंगरेप, हत्याएं,
और डकैती चोरी ये आम घटना हो गई है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने दून मेडिकल कॉलेज की नर्स और स्टाफ के साथ रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया। सभी महिला स्टाफ ने उनकी कलाई पर राखी बांधी। इस दौरान डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि ये भाई बहन के प्रति प्रेम का भी प्रतीक है और एक वादा भी है कि भाई हर साल में अपनी बहन की रक्षा करेगा। साथ ही उन्होंने महिला सुरक्षा पर भी कहा कि राज्य सरकार लगातार महिलाओं के प्रति सुदृढ़ है और उस पर ठोस कदम भी उठा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एक संदेश भी देने की कोशिश हमने की है कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और महिलाएं चाहे किसी भी विभाग में काम कर रही हों, वो हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। आज राखी का पर्व यहाँ पे सचिव साहब के साथ मनाया, तो ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इस वजह से भी है कि कलकत्ता में जो भी हुआ तो उसको देखते हुए तो सब लोगों में बहुत भय का माहौल था, तो वो उसको दूर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो और सचिव साहब का जो आश्वासन कि जो जो मांगे रेजिडेंट्स ने रखी हैं और महिला कर्मचारियों ने जो रखी हैं कि उन सब पे वो ठोस कदम उठाएंगे, और जैसे सबकी मांगे कि पुलिस चौकी यहाँ इमरजेंसी में आ जानी चाहिए और राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी होनी चाहिए जिसमें एक मेल गार्ड और एक फीमेल गार्ड राउंड द क्लॉक रहे, तो ये बहुत अच्छा उन्होंने आश्वासन भी दिया है और सीसीटीवी लगाने के लिए भी उन्होंने आश्वास किया है कि वो लगाए जाएंगे। देखिए आज जो है बहुत ही खुशी की अनुभूति हो रही है। दून मेडिकल कॉलेज में समस्त जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, दून के स्टाफ हैं, जो महिलाएं हैं, उनको जो है उनके साथ हमने आज रक्षाबंधन मनाया। ये भाई का बहन के प्रति प्रेम का भी प्रतीक है और एक वादा भी है कि भाई जो है हर हालत में अपनी बहन की रक्षा करेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में 14,500 करोड़ से अधिक का किया गया है खास प्रावधान। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत तमाम महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को उपलब्ध कराया जा रहा है व्यापक बाजार। राज्य में महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत उद्योग स्थापित करने को दिया जा रहा है ऋण, जिसमें 20 से लेकर 25 फीसदी तक दी जा रही है सब्सिडी। उत्तराखंड सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में की है सम्मानजनक बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। इसके तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट कराई जाती है उपलब्ध। राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण के लिए बनाया गया है कानून। पहाड़ की महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखकर बनाई गई है महिला नीति। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए हमने लिए हैं अहम फैसले। रक्षाबंधन पर सार्वजनिक बसों में बहनों के लिए होगी निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था। भाई बहन के प्रेम, अटूट विश्वास और अगाध प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार प्रदेश की माताओं बहनों के कल्याण और सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी सरकार द्वारा माताओं बहनों के लिए रक्षाबंधन के दिन उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। भाई बहन के प्रेम और विश्वास को अभिव्यक्त करने वाला यह पवित्र पर्व आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलमय हो। एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद। सशक्त मातृशक्ति, सशक्त उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे।
मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि आज यानी कि सोमवार को देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना है, जबकि कल यानी कि मंगलवार को 5 जनपदों में भारी बारिश के आसार हैं। इसके तहत देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी है। इस दौरान उन्होंने लोगों से सावधानी एवं सतर्कता बरतने की भी अपील की है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 19 तारीख अगस्त की हो गई है और पिछले जो 24 आवर्स हमारे रहे हैं उसमें अच्छी बारिश जो है प्रदेश में देखने को मिली है, नॉर्मल है हालांकि, और अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश मिली है। जहां तक भारी से बहुत भारी वर्षा की बात है तो वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में मिली है और इसी तरह बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में मिली है। इसके साथ ही जो भारी वर्षा है वो एकादुक्का जगहों में आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट और ईवैस नगर डिस्ट्रिक्ट में भी वो मिली है। आगे अगर मौसम की बात करें, आज 19 है और कल 20 के लिए 2 दिन अगर देखें तो इसमें भी अच्छी बारिश जो मिलने की संभावना है। अगर आज के लिए बात करें तो मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर जगह में हल्की से मध्यम बारिश प्रदेश में देखने को मिलेगी। उत्तराखंड सरकार राज्य में 100% आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए वृहद स्तर पर अभियान चलाने जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अधिकारियों को पूरे प्रदेश भर में अभियान संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश के सभी लोगों को इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। राज्य में अब तक 60 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज इस योजना के तहत किया गया है। इसमें करीब 2400 करोड़ रुपए इन लोगों के इलाज पर खर्च किए जा चुके हैं। तो वहीं उन्होंने बताया कि अब विभाग की कोशिश है कि अभियान के तहत इस वर्ष 10 लाख नए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में आयुष्मान योजना सबके लिए, और अभी तक हमारे प्रदेश में लगभग 60 लाख लोगों के कार्ड बन चुके हैं, 10 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज अभी तक किया जा चुका है और इस योजना में लगभग 2400 करोड़ रुपये से ज़्यादा अभी तक खर्च हो चुके हैं। अभी हमने जिन जिन जिलों की प्रगति कम थी आयुष्मान कार्ड की, जो 70% से कम थी, वहाँ 7 अधिकारियों को जो है भेजा है। नाबालिग लड़की के साथ देहरादून के ISPT में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया के बाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पलटवार करते हुए कहा कि उत्तराखंड को देवभूमि और वीरभूमि कहा जाता है और ऐसी घटनाएं होना बेहद दुखद है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा सिर्फ राजनीति करती है और ऐसे मुद्दे राजनीतिक नहीं होने चाहिए, बल्कि इस पर सभी दल के लोगों को एक मंच पर रहकर इसे सुधारने के लिए विचार प्रकट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने नेताओं के दोहरे चरित्र को भी देखना चाहिए, इस तरह की घटनाओं पर राजनीति ना करके अपनी संवेदना प्रकट करनी चाहिए। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय केदारनाथ मंदिर में सोने के प्रकरण को लेकर व्यथित हैं। उनका आरोप है कि कांग्रेस एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत लगातार केदारनाथ धाम के गर्भगृह में स्वर्ण परत चढ़ाने के मामले में दुष्प्रचार अभियान चलाए हुए है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि केदारनाथ से सोना चोरी मामले को लेकर रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, लेकिन BKTC रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रही है। BJP लगातार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। केदारनाथ का प्रतीकात्मक मंदिर दिल्ली में बनाने की जरूरत क्या है? BJP को आन पड़ी कि आज तक उस मामले को लेकर क्या कार्रवाई हुई, किसी को नहीं पता। ऐसे में क्या BJP से उम्मीद करें कि केदारनाथ सोना चोरी को लेकर वो दूध का दूध और पानी का पानी करें?
केदारनाथ में सोना पीतल में कैसे बदला, इसका जवाब पूरे देश का सनातन प्रेमी चाहता है और लगातार इस मामले में सरकार की ओर से लिपापोती हो रही है। वहीं के तीर्थ पुरोहितों ने सोने के पीतल में बदलने पर गंभीर सवाल खड़े किए। अब हम लगातार कह रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और सरकार जिस जांच की बात कर रही है उसमें वहां के तीर्थ पुरोहित शामिल थे या नहीं थे, वहां के जो है स्थानीय व्यापारी शामिल थे या नहीं थे। अगर आप जनता को और केदारनाथ टेंपल कमेटी से जुड़े हुए स्टेक होल्डर को विश्वास में नहीं लेंगे तो आपकी जांच कैसी हुई होगी, इसका अंदाजा सनातन प्रेमियों को, धर्म प्रेमियों को और धर्माधिकारियों को है। एसबीटी देहरादून में 16 साल की नाबालिग के साथ बस में सामूहिक दुष्कर्म का मामला संज्ञान में आने के बाद उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने एसएसपी अजय सिंह और जिला प्रोबेशन अधिकारी के साथ पीड़िता से मुलाकात कर उसका हाल जाना। आयोग अध्यक्ष ने पीड़िता से मुलाकात कर घटना की संपूर्ण जानकारी ली, जिसके बाद उन्होंने एसएसपी अजय सिंह को निर्देश दिए हैं कि मामले में गंभीरता से जांच करते हुए सभी आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, कोई भी दोषी छूटना नहीं चाहिए। आज जैसे जानकारी मिली है कि आईएसबीटी देहरादून में एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, तो जानकारी मिलते ही तुरंत ही मैं बच्ची से मिलने किशोरी गृह गई हूँ देहरादून के, और बच्ची से बातचीत भी की है। तो इस प्रकार से अगर इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय घटना है और किसी बच्ची के साथ इस तरह का रेप हो, तो पुलिस भी लगातार सभी अपराधियों को चिन्हित कर लिया है। CWC की टीम भी लगातार काउंसलिंग कर रही है उस बालिका की, उसके परिजनों के जानकारी नहीं मिल पा रही है। डेंगू के रोकथाम के लिए स्कूलों पर भी अब जिला प्रशासन सख्ती बरतने वाला है, जिसे देखते हुए देहरादून के जिलाधिकारी सोनिका ने देहरादून के मुख्य शिक्षा अधिकारी के स्कूलों में निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इस बात को लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों में निरीक्षण करके देखा जाए बच्चे पूरी बाजू की यूनिफॉर्म में है या नहीं, और सोर्स डिडक्शन का भी ध्यान रखा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को प्रेयर के दौरान सोर्स रिडक्शन के तरीके सिखाएं, ताकि वो घर पर भी उन तरीकों का इस्तेमाल कर डेंगू से बचाव कर सके। डेंगू के बढ़ते खतरे को लेकर अब शिक्षा विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं कि स्कूल में इंतजाम करे जाए। हमने जो हर साल की तरह मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश जो अधिकृत होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है फुल स्लीव्स का हो गया, और जो भी एहतियात स्कूल को बरतने हैं, चाहे वो फ्यूमिगेशन हो गया, सोर्स रिडक्शन हो गया, वो सारे इंस्ट्रक्शंस जाते भी हैं। और मेरे द्वारा ये भी कहा गया है कि कोशिश करें कि जो प्रेयर्स होती हैं उसमें कुछ समय निकाल के 2-3 मिनट का, जिसमें कि बच्चों को भी ये सिखाया जाए कि किस तरह से सोर्स रिडक्शन होता है, जिससे कि वो घर में जाके अपने लेवल पे भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में 14,500 करोड़ से अधिक का किया गया है खास प्रावधान। मुख्यमंत्री सशक्त महिला उत्सव योजना के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत तमाम महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को उपलब्ध कराया जा रहा है व्यापक बाजार। राज्य में महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत उद्योग स्थापित करने को दिया जा रहा है ऋण, जिसमें 20 से लेकर 25 फीसदी तक दी जा रही है सब्सिडी। उत्तराखंड सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में की है सम्मानजनक बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। इसके तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट कराई जाती है उपलब्ध।
राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण के लिए बनाया गया है कानून। पहाड़ की महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखकर बनाई गई है महिला नीति। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए हमने लिए हैं अहम फैसले। रक्षाबंधन पर सार्वजनिक बसों में बहनों के लिए होगी निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था। भाई बहन के प्रेम, अटूट विश्वास और अगाध प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार प्रदेश की माताओं बहनों के कल्याण और सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी सरकार द्वारा माताओं बहनों के लिए रक्षाबंधन के दिन उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। भाई बहन के प्रेम और विश्वास को अभिव्यक्त करने वाला यह पवित्र पर्व आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलमय हो। एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद। सशक्त मातृशक्ति, सशक्त उत्तराखंड। के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। न्यायालयों में लंबे समय से लंबित वादों के त्वरित निपटारे को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर सिविल जज एसडी ने बताया कि 14 सितंबर को एक दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत देश भर के न्यायालयों में लंबित वादों का निपटारा किया जाएगा। इसी क्रम में देहरादून जिले के सभी न्यायालय, जिसमें विकास नगर, चकराता, डोईवाला और ऋषिकेश, सभी में 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सिविल प्रकृति के वाद, चेक बाउंसिंग, मोटर दुर्घटना प्रतिकरण, फैमिली मैटर के साथ ही क्रिमिनल के शमी प्रकृति के मामलों का निस्तारण किया जाएगा। प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में दिनांक 14 सितंबर 2024 को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में देहरादून के भी सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। देहरादून हेडक्वार्टर में विकास नगर, चकराता, डोईवाला, ऋषिकेश, सभी जगह इन लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा और ये लोक अदालत 14 सितंबर में प्रातः 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलेगी। इस लोक अदालत में, इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल प्रकृति के वाद, चेक बाउंस के मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के मामले और जो क्रिमिनल। देहरादून जनपद में बीते साल डेंगू की भारी संख्या में मरीज देखने को मिले थे, जिसके बाद इस साल ऐसी स्थिति दोबारा ना देखने को मिले, इसके लिए जिला स्वास्थ्य महकमा लगातार एक्टिव मोड में काम कर रहा है और खास तौर पर पिछले साल डेंगू के हॉटस्पॉट पाए गए क्षेत्रों पर पैनी नजर रखे हुए है। इस बात को लेकर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि पिछले साल देहरादून शहर में अजबपुर, धर्मपुर और रेसकोर्स क्षेत्र में डेंगू के काफी मामले देखने को मिले थे, तो इस बार हम वहां पर घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कहीं पर डेंगू का लार्वा मिलता है तो उसे फौरन नष्ट कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्यादातर इस बार उन हॉटस्पॉट स्थानों पर डेंगू का लार्वा देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, जहाँ जहाँ पिछले बार हमारे एरिया जो अजबपुर का, धर्मपुर और रेसकोर्स वाले एरिया थे, यहाँ सबसे ज्यादा डेंगू के केस मिले थे, तो शुरू से ही हम वहाँ घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं और यदि कहीं लार्वा मिल रहा है तो उसको भी नष्ट कर रहे हैं, तो इसमें हमारी आशाएं लगातार उसमें भ्रमण कर रही हैं। और इस बार जो लार्वा मिल रहा है अभी उनके इलाकों में जहाँ पिछले बार हमारे हॉटस्पॉट थे, इस समय वहाँ लार्वा नहीं पाया जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।